अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान फारूक और हम रमज़ान विद अदनान फिटनेस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम वेट लॉस के ऊपर, फिटनेस के ऊपर और दीगर जो फिटनेस से मसाइल हैं रमज़ान में, उनको एक्सप्लोर करें। अच्छा जी, हमने काफ़ी बातें कर ली हैं और काफ़ी सुन भी ली। नाउ इट्स टाइम टू मूव अ लिटल, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको डिनर के बारे में बताता चलूं, जो कि पूरे दिन का तीसरा मील होएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्विकली कवर इट। आपकी बुकलेट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, सो यू डोंट घबराना नहीं है कि तीसरे मील के ऊपर पूरा तबसरा नहीं हुआ, राइट। सो तीसरे मील भी तकरीबन आइडेंटिकल होएगा जिस तरह की आपकी सहरी हुई है, सेम गाइडलाइंस। प्रोटीन कितनी खानी है वो भी मेंशन हुई हुई है, स्टार्च कितनी खानी है, फैट्स कितने खाने हैं और वेजिटेबल्स कितनी खानी है। बट प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि ये जो तीसरा मील है ये ज़रूरी है, और ये कितनी देर बाद होएगा, तकरीबन अफ्तारी के 3 से 4 घंटे के बाद। 7 बजे अगर अफ्तारी हो रही है और वेर एवर यू आर, उसके 3 से 4 घंटे के बाद आप अपना डिनर करेंगे और फिर आगे इस तरह ही सिलसिला चलता रहेगा। ओके, ऑन टू द वर्कआउट। वर्कआउट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वी हैव केप्ट इट सिंपल बिकॉज वी डोंट वॉन्ट यू इंजरिंग योर सेल्फ। रमज़ान में, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में कवर किया, बॉडी वीक हुई हुई होती है। अगर आप ज़्यादा टेक्निकल मूव्स करेंगे या ज़्यादा डिफिकल्ट मूव्स करेंगे तो उसमें इंजरी का चांस बढ़ जाता है। और वैसे भी सिंप्लिसिटी शुड रिमेन इन अ वर्कआउट। ओके, फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। वर्कआउट के अंदर हम एक सीक्वेंस चलाते जाएंगे, टाइमर चलता रहेगा। अगर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, रेस्ट कीजिए, लेकिन वर्कआउट को करने से पहले आपने समझना है कि मूव्स क्या हैं। मूव्स को समझेंगे पहले, उसको स्लो मोशन में प्रैक्टिस करें, देन पुट इट इन अ टाइम फॉर्मेट, ठीक है जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फॉर्मेट इज़ वेरी सिंपल, 5 एक्सरसाइजेस, और हर एक्सरसाइज को आपने 30 सेकंड के लिए करना है। तो अपना आप टाइमर ऑन कर लें एंड देन लेट्स बिगिन। वर्कआउट से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, तो नौशीन आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट का वार्म अप दिखाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। ओके, जैसे कि वार्म अप दिखा रहे हैं, वार्म अप आपका होता है जिसमें आप ब्लड सर्कुलेशन को चला रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू स्टार्ट ऑफ विद स्वेटिंग सो मच। अब नौशीन जॉग कर रही है, इसकी इजी वर्जन भी हो सकती है, सो शी इज़ जस्ट यू नो जंपिंग का कंपोनेंट निकाल दिया है, हल्की फुल्की मूवमेंट हो रही है। द आइडिया इज़ टू गेट द ब्लड सर्कुलेशन गोइंग, ठीक है जी। तकरीबन 30 सेकंड गुजर चुके हैं, रिमेनिंग 30 सेकंड्स हैं, बिकॉज हम वार्म अप को तकरीबन 1 मिनट के लिए करेंगे। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, बट वी बिलीव 1 मिनट ऑफ वार्म अप शुड बी गुड इनफ। ओके जी, नाउ शी इज़ ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग के बाद आप देख रहे हैं कि ये अब थोड़ी सी स्ट्रेचेस कर रही हैं, और स्ट्रेचेस के अंदर अगर आप अपने टोज को टच नहीं कर पा रहे, दैट्स ओके। अगर आप नीज तक पहुंच पा रहे हैं, दैट्स ओके, ठीक है जी। एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ द डंबल स्विंग। आप देख रहे हैं कि आप डंबल पकड़ा हुआ है, और डंबल 3 से 5 kg का हो सकता है, डोंट गो बियॉन्ड दैट, और इफ़ यू कैन देन यू मस्ट बी एबल टू डू इट प्रॉपरली। फॉर्म इज एवरीथिंग। तो ये 1 मिनट की सीक्वेंस है, इसमें मेक श्योर कि आपकी स्क्वाटिंग ठीक हो, राइट। तो ये आप प्रॉपरली करेंगे, नौशीन आपको स्लो करके दिखाएंगी। अगर इफ़ दिस स्पीड इज़ टू मच फॉर यू, देन यू नीड टू स्लो डाउन। मेक श्योर योर स्क्वाटिंग प्रॉपरली, थ्रोइंग योर बट बैक, और नी और एंकल तकरीबन एक लाइन में होने चाहिए। मेक श्योर योर अपर बॉडी इज अपराइट, वो गिरनी नहीं चाहिए। अब हम जा रहे हैं ऑल्टरनेट लंजेस। ये लोअर बॉडी मूव है, और इसमें आप देख रहे हैं कि शी इज़ डूइंग इट वेरी माइंडफुली। द आइडिया इज़ कि आपने इस एक्सरसाइज के अंदर तरीके से चलना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी इंजरीज। और अगर आप देखें तो जो टांगों के दरमियान में गैप होएगा, ताकि आपका बैलेंस लूज ना हो, नंबर वन। नंबर टू, आपकी नी और एंकल का एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। नी आगे जाएगी एंकल से तो घुटने में दर्द का खदशा है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द प्लैंक, और ये हम एल्बो प्लैंक करेंगे। एल्बो प्लैंक में आप नोट करें कि आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में है, अपर बॉडी लोअर बॉडी का एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इसमें डिप नहीं होना चाहिए कि लोअर बॉडी नीचे है या ऊपर है। नीज आपकी लॉक होएंगी, आपकी एल्बोज बिल्कुल शोल्डर के नीचे होएगी। जब आप इस पोजीशन में आ जाएं तो सक योर बेली बटन इन एंड जस्ट होल्ड द प्लैंक, ठीक है जी। वेरी सिंपल, ये लगती बड़ी सिंपल है, बट इफ़ यू डू इट प्रॉपरली इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द कोर एंड एब्डोमिनल मसल्स।
अब हमारी 30 सेकंड्स की सीक्वेंस आ रही है जॉग. सो शी इज़ गोइंग टू पुट द मैट बिहाइंड हर एंड देयर वी गो, वी स्टार्ट जॉगिंग. और जॉगिंग में आपने मेक श्योर करना है कि यू लैंड ऑन योर टो, नॉट योर हील. आवाज़ कम से कम आनी चाहिए. यू कैन टेक इट एज हाई एज यू वॉन्ट अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ानी है, और अगर आपने इसको स्लो करना है तो आप स्लो भी कर सकते हैं. वॉट मैटर्स इज कि आपकी पेस क्या है. द 30 सेकेंड्स आर अबाउट टू एंड इन 3, 2, 1 एंड द नेक्स्ट वन इज शफल. और ये देख रहे हैं, ये भी एक कार्डियो मूव है. इसके अंदर इंस्टेड ऑफ जॉगिंग शी इज मूविंग हर फीट फ्रॉम साइड टू साइड. वर्कआउट को निकाल के 4 मिनट का एक सेट है, ठीक है. जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको आप 4 से 5 दफ़ा रिपीट करेंगे तो दिस विल गिव यू अ टोटल बॉडी वर्कआउट, ठीक है जी. सो दैट टेक्स केयर ऑफ वर्कआउट नंबर 1. लेट्स गो ऑन टू वर्कआउट नंबर 2.